नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। मैं आपका अपना अनिल सर, और आपने मेरा वीडियो बहुत पसंद किया और कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ बच्चों ने भेजा था, सर सी लुक और वॉच में क्या अंतर होता है, तो इन सब के बारे में मैं आज बहस करने जा रहा हूँ। आपको इसका लेक्चर दूंगा और आपका जो इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। मैं आज आपको सी लुक और वॉच के बारे में बताने जा रहा हूँ और इसमें देखते हैं क्या अंतर होता है। तो सी लुक और वॉच, आपने ये तीन क्वेश्चन किए थे लेकिन मैंने आपके लिए सी लुक, ग्लेयर, स्टेयर, गेज, ग्लेंस, पर यूज, आई और बी होल्ड, इन सब के बारे में मैं आज बताऊंगा। इन सब का मतलब क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। उन सब का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा और इसके साथ तो मैं बताऊंगा ही। तो इन सब का मतलब बेटा एक ही होता है और उसका नाम है देखना। सबका मतलब एक ही होता है देखना, और इन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सबका एक ही मीनिंग होता है देखना। अब इनका यूज क्या क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले सी मीन्स क्या होता है, तो सी मीन्स होता है देखकर भूल जाना। जैसे मैंने देखा, मैंने किसी को बाजार में देखा और किसी ने पूछा, अरे हाँ उसको तो मैंने बाजार में देखा था, लेकिन देखकर भूल जाना, वहां पे यूज करते हैं सी का। सी का मतलब देखना और देखकर भूल जाना, ये होता है सी। अब कोई ये भी कहता है कि सर इसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है कि नहीं, होता है, लेकिन ये मीनिंग बदल जाता है जब इसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। सी का मतलब देखना प्लस आईएनजी इज इक्वल टू मिलना। जैसे मैंने कहा आई सी यू टुनाइट, आई सी यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा, आई सी यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। तो सी में आई एन जी नहीं लगाते हैं देखने के लिए, अगर जहां आई एन जी लगाएंगे मीनिंग बदल जाएगा। दूसरा नंबर आता है लुक का मतलब, लुक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप वीडियो जो देख रहे हैं या तो कॉपी कलम निकाल लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लुक का मतलब यह होता है कि हम किसी चीज को दिखाते हों, यानी कि देखना नहीं दिखाना। जैसे लुक एट द बोर्ड, लुक एट द स्ट्रीट, लुक एट मी, यानी कि दिखाया, मैंने आपको दिखाया और आपने देखा, मतलब तो होता है देखना, लेकिन इसका ये मतलब होता है वास्तविक का कि लुक का मतलब देखना नहीं दिखाना होता है। लुक एट मी, लुक एट सी, लुक एट हर, लुक एट हर, लुक एट हिम, ऐसे यूज करते हैं लुक का, और इसका भी मतलब देखना या दिखाना। अगला यूज है आपका वॉच, अंतिम वॉच। वॉच का मतलब
या किसी चीज को ऑब्जर्व कर लेता है। जब ऑब्जर्व कर लेता है, जहाँ पे हमारा पूरा सेंस ऑर्गन्स लग जाए किसी चीज़ को देखने में, समझने में, सुनने में, वहाँ पे हम वाच का यूज करते हैं। जैसे सेंस ऑर्गन का मतलब आँख, ध्यान और पूरा कान, यानी कि कान, आँख और ध्यान। जैसे किसी टीवी के सीरियल को आप देखते हो या कोई मूवी देखते हो अच्छी वाली, और आपके सामने कोई किसी ने आपसे पानी मांग दिया तो ऐसा लगता है कि जैसे भूकंप आ गया हो, ठीक है, ऐसा लगता हो कि भूकंप आ गया हो और आपका ध्यान टूट जाता है। तो किसी चीज़ को ध्यान से देखने के लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए गेट मैन, जो वॉचमैन होता है, जो घर की रखवाली करता है, तो उसका वॉचमैन नाम क्यों होता है? क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी उसी की होती है, यानी कि ध्यान से देखने की। यदि मैंने आपसे कहा आई वॉचिंग यू, तो आप समझ जाइए कि मेरा पूरा ध्यान आप पर लगा है, कि आप की हर गतिविधि पर मेरी नज़र है और आप क्या करने वाले हैं, क्या करते हैं, सबकी खबर है। तो इसलिए वॉचिंग का मतलब होता है कि एक हर एक एक्टिविटीज़ को देखना, यानी कि पूरे ध्यान से सेंस ऑर्गन्स के साथ हम देखते हैं, वहाँ पे हम वॉच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे ग्लेयर, ग्लेयर का मतलब होता है कि जैसे आपको भूख लगी हो और मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ आप ही के सामने बैठकर, तो आप मांगेंगे तो नहीं, छीन कर खाएंगे भी नहीं, लेकिन लालच भरी आंखों से देखना। जब हम लालच भरी आंखों से किसी को देखते हैं तो आप यूज करते हैं ग्लेयर का, ठीक है, यानी कि आंखों में लालच लेकर किसी चीज को देखना। अब मान लीजिए कि आप किसी दुकान से गुजर रहे हो और समोसे की खुशबू आ रही हो, तो आपकी निगाहें ढूंढेंगी कि उस समोसे की दुकान कहाँ है, और आप उसी लालच भरी आंखों से उसे देखेंगे। अब स्टेयर एंड गेज, ये दोनों का मतलब एक होता है, इन दोनों का यूज एक होता है। जैसे आप अपने क्लास से बैठे हो और किसी लड़के ने आपकी शिकायत आपके सर से कर दिया, आपके सर से कर दिया, तो आप उसे क्या करते हो, घूरते हो, कुछ बोल नहीं पाते हो, लेकिन घूर कर एकदम, अब वहाँ आपका ध्यान दूसरा हो गया और घूर कर देखने लगे, तो इसका मतलब घूरना। इन दोनों का मतलब होता है घूरना, यानी किसी को घूर कर देखना। जैसे किसी को आप कुछ बोल देते हो तो व्यक्ति आपको घूरने लगता है, अब लगता है कि आपको खा जाएगा, ऐसी स्थिति में यहाँ पे यूज होता है घूरना। आगे आप लिखते रहिए, ग्लेंस, ग्लेंस अगला है, ग्लेंस। ग्लेंस मीन्स क्या होता है कि एक झलक में देखना, किसी चीज को एक झलक में देख लेना। जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज, जैसे पन्ना ही उलट रहे हों, एक झलक देख ले, जैसे कुछ याद किए हों रात का और सुबह हम उसको बताना है, तो झट से एक नज़र देखते हैं, यानी कि एक झलक मार लेते हैं सुबह में कि फिर से हमको रिपीट हो जाए, तो एक झलक में देखना। आगे है आपका परियूज, आगे आपका परियूज है, परियूज परियूज का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को हम ध्यान से पढ़ते हो तो देखकर ही तो पढ़ते हैं, तो कहीं भी हम किसी भी चैप्टर को या फिर विषय को या फिर कुछ खबर को हम अगर ध्यान से पढ़ें तो उसे कहते हैं परियोज, यानी कि परियोज का मतलब ध्यान से पढ़ना, ध्यान लगा कर पढ़ना, वहाँ पे परियोज का प्रयोग करते हैं। आई मीन्स भी देखना, इसका भी कई प्रयोग करिए, पढ़ना होता है। अब सबसे लास्ट आपका है बीहोल्ड, बीहोल्ड,
बिहोल्ड का मतलब क्या होता है बाबू? कि जैसे छोटा सा बच्चा हो और माँ उसके शरारतों से परेशान हो और एक थप्पड़ मार दे, फिर जब वो लड़का मुंह बनाकर रोता हो तो माँ उसे प्यार भरी आंखों से देखती है। यानी कि बिहोल्ड का मतलब प्यार भरी आंखों से किसी को देखना, आंखों में प्रेम लेकर देखना। माँ अपने बच्चे को कैसे देखती है? हमेशा प्यार भरी आंखों से ही देखती है, तो उसी को यूज करते हैं हम, प्यार भरी आंखों से देखना। प्यार भरी आंखों से देखना का मतलब बिहोल्ड होता है। और आज का वीडियो आपके लिए मैंने बनाया, और कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है लिखने में, तो इससे आप घबराइएगा मत। मैं बोल देता हूँ लेकिन कभी कभी लिखते वक्त कोई दिक्कत हो जाए। और मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसे जो बच्चे कमज़ोर हैं उनसे आप इसको शेयर कीजिए और उनके साथ आप बातें कीजिए इस विषय पर, ताकि वो भी बच्चे अंग्रेजी जान सकें। क्योंकि जो बच्चे मुझसे दूर हैं उनके लिए आप उनकी मदद करिए, और मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र का हर वो बच्चा अंग्रेजी सीखे और जाने, क्योंकि अंग्रेजी बहुत कठिन शब्द नहीं है और इसे सीखना बहुत आसान है। आप मेहनत कीजिए, आपके साथ मैं रहूँगा, हमेशा आपके लिए मेहनत करता रहूँगा जब तक आपका साथ बना रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।